are you? I am from Kazakhstan. You are from Kazakhstan. Yes. This boy is from. Okay. Climb करके मैं आ गया. श्याम पुलक जो दुनिया का सबसे बड़ा स्काइंग होता है वो यहीं पे होता है और जो होता है वो ठीक सिटी से थोड़ा आउटस्कर्ट में है, करीबन 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे. जहाँ पे मैं जा रहा हूँ उस स्पॉट का नाम है मदीव. यांडेक्स एक टैक्सी चलती है यहाँ पे ऐप के थ्रू, तो वो थोड़ा महंगा होता है. जैसे इतना ही डिस्टेंस अगर मैं यांडेक्स टैक्सी से करूँगा तो मुझे 2000 टेंगे देने पड़ेंगे, यानी करीबन वही 500-600 रुपये. और मेरा यहाँ पे खाली 150 टेंगे में जाना हो रहा है. बेटर ऑप्शन है कि आप यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन ही यूज़ करें, पब्लिक बस स्पेशली वो ज़्यादा यूज़ करना बेटर रहेगा. तो भाई साहब वेलकम टू अदऊ, जो कि अलमाटी सिटी से करीबन 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. तो फाइनली बस नंबर 12, जो कि मुझे बस चेंज करना पड़ा 141 से 12 नंबर की बस लेके, फाइनली मैं आया. और जो आगे बस देख रहे हो इसी बस से मैं आया. और जो मेरे आप पीछे देख रहे हो ये एली अताऊ नेशनल पार्क है, जो कि कजाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है. ठीक मेरे पीछे बैक साइड में आप देख रहे होंगे केबल कार जो आपको और हाई एलिवेशन पे ले जाएगा. ये एक्चुअली लास्ट स्टॉप है बस का, इससे इसके आगे बस नहीं जाती है. तो इससे पहले 2 किलोमीटर और नीचे एक स्काई रिजॉर्ट है, वहाँ से इस केबल कार की शुरुआत होती है और जो आपको और हाई एलिवेशन पे लेके जाता है. फिलहाल देखते हैं और पता करते हैं कि कहाँ पे ट्रैकिंग हो सकती है थोड़े ऊपर में, या फिर रोड को ही मुझे फॉलो करना पड़ेगा. बट हाँ काफ़ी अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा वेदर भी है. और विंटर के मौसम में तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, -20 ये तो नॉर्मल है यहाँ पे. ये ग्राउंड है एक्चुअली, यहाँ पे आइस स्केटिंग वगैरह खेली जाती है. जाएंगे अभी यहाँ पे भी विजिट करेंगे, देखते हैं अंदर किस तरीके का है. लेट्स टेक अ फोटो. फोटो आया है कैमरा ना मैं, डोंट नीड फोटो. ये फोटोग्राफर्स की ट्रिक भी अच्छी है, डायरेक्ट फोटो निकालेंगे और अपने पास आएंगे दिखाएंगे कि भाई काफ़ी अच्छा निकालते भी अच्छी फ़ोटो है. और देखने के बाद ऐसे लगा कि यार चलो 1000 टेंगे में फ़ोटो परचेस कर लेते हैं उनसे, तो ये अच्छा बिजनेस ट्रिक है. बिजनेस टाइम्स गोल्ड नीगो बिजनेस बिजनेस हाँ. हाउ मच फोटो? 2500 फॉर वॉट? वन फोटो. वन फोटो ब्रो, कॉस्ट्यूम. आई हैव कैमरा कैमरा नो नीड. No, it's okay. I love Kazakhstan. I love Kazakhstan. Hindustan. Yeah. Narendra Modi. ये देखिए भाई ये फोटोग्राफर अभी फोटो निकालेगा, अभी मेरे पास आएगा और बोलेगा ये देखिए नाइस फोटो मैन, वेरी नाइस फोटो. हाउ मच? नो, इट्स ओके. थैंक यू. आई हैव कैमरा नो ब्रदर. हेलो, हाउ आर यू? Okay. How are you? What is your name? My name is Aybek. Aybek, oh, nice to meet you. Why? Huh? What's your name? My name is Gunwant. Gunwant? Yeah. Gunwant? Yeah. Is America, right? No, India. India? Yeah. Bhai, I'm American, dikh raha hu. Okay, yaar, America bol raha hu mujhe. Do I look like an American? Okay, thank you. Okay, thank you. और ईगल पे कुछ तो भी लगाया इन लोगों ने. नेशनल बर्ड है ये भाई, ईगल ना, ईगल. या ईगल बर्ड भाई यहाँ का नेशनल बर्ड, और बहुत रिस्पेक्ट होती है यहाँ पे इसकी. पंख पूरा फैला देता है तो करीबन 5 से 6 फीट पूरा स्प्रेड हो जाते हैं इसके पंख. ऐसी आप चाहो तो बढ़िया नेशनल बर्ड के साथ फोटोग्राफी भी कर सकते हो. थोड़ा गले में खराश है, थोड़ा चाय देखता हूँ मैं, चाय अगर मिल जाए गरम गरम कजाकिस्तानी चाय पीते हैं भाई.
ये भाई कुछ यहाँ पे सेल कर रहे हैं, पता नहीं क्या है ये चीज़। अकाओ ब्रदर, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। टी और टी? यस टी, गुड वन। मसाला चाय, ग्रीन टी इले? नो नॉट ग्रीन टी। कोक? या कोक। मिल्क? मिल्क या विद मिल्क। डबल डीमा। हां, व्हाट इज दिस ब्रदर? हाउ, व्हाट इज दिस जूस? या टी। ओके ओके ओके। भाई ये अनार जूस, स्ट्रॉबेरी, काफ़ी अलग अलग है यार। बट फिलहाल लेते हैं ब्रदर। हाफ हाफ। हाफ नॉट फुल, हाफ। या ये बस 12 नंबर की ही बस यहाँ पे आती है। यहाँ पे आपको अगर अलमाटी सिटी से आना है तो 12 नंबर की ही पकड़ना पड़ेगा फाइनल डेस्टिनेशन तक के। और जिस 141 बस से मैं आया था वो काफ़ी पहले ही आपको ड्रॉप कर देगी, फिर वहाँ से 12 नंबर की बस पकड़ के आना पड़ेगा। बाकी उसके अलावा दूसरी कोई बस चलती नहीं है सिटी की, तो 12 नंबर ही लेना पड़ेगा। तो शायद कोई कॉलेज स्टूडेंट। हेलो, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। या स्कूल स्टूडेंट्स? यूट्यूबर। यूट्यूबर। Where are you from? I'm from India. My friend is India tour. India tour? Yes, oh. Bhai Kazakh bachche. Hello, hello, hello. How are you? I am from Kazakhstan. You are from Kazakhstan. Yes. You have been to India? What? You have been to India? India? India. What's India? The name? Yeah. Your channel. What is your name? Huh? Channel. Escaping traveler. Yeah. Hold on, Jack. भाई बच्चों ने घेर लिया है मुझे यहाँ पे। I subscribe. Subscribe. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Photo. 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 Yeah. Photo. 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 Hello. Hey, मुझे. Photo. Autograph. Autograph. By father. Where are you? Yeah. Thank you. Bye, bro. Yeah. Yeah. Brother. This boy. Come here. Okay. 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 Sir, sir. Like this. Hey, like double, this. Hi, bro. Yo, yo, yo. Yeah. Hello, bro. Yeah. Good. 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 Yeah. Life is good. Enjoy, huh? Enjoy. 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 Goodbye. Subscribe. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you. Bye. Bye. I'm used to subscribe channel. Goodbye. Yeah. Goodbye. Yeah. Thank you. तो भाई ये थे कुछ स्कूल के बच्चे। जी नॉट हॉट। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो गए थे देख के। चाय तो ले लिया, चाय तो दे दिया उसने। पैसों की बात आई, पैसा ही नहीं ले रहा था। नो डोंट गिव मनी, नो मनी, नो मनी बोल रहा था। डोंट गिव मनी, बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है, तो भाई इतने बढ़िया चाय मुझे पिला रहा है और पैसा नहीं लेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर ज़बरदस्ती उसको 300 टेंगे में दे दिया इस चाय का। पता नहीं कितना था रेट, बट हाँ। तो यार लोग ऐसे हैं कि पता नहीं यार, पैसा लेते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है पैसों के बारे में। चीज़ें दे देते हैं, आइटम्स दे देते हैं, फिर पैसों की बात आई तो भग जाते हैं। वो निकल गया, अपना गाड़ी लेके निकल गया, पता नहीं कहाँ गया। तो ऐसे लोग हैं यहाँ। खैर अभी यहाँ से मुझे और थोड़ा क्लाइम करना है, फिर देखते हैं क्या क्या नई नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो भाई आप जो मेरे पीछे देख रहे हो एक स्टेडियम, और वही है एक आइस स्केटिंग के लिए एक्चुअली एशिया का सबसे बड़ा आइस स्केटिंग के लिए ये स्टेडियम है। USSR का जब ये पार्ट था उस समय ओलंपियन के लिए ये प्रैक्टिस का एक ग्राउंड हुआ करता था। तो काफ़ी सारे ओलंपियन यहाँ पे आया करते थे और यहाँ पे प्रैक्टिस किया करते थे, और इवन काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट भी इस स्टेडियम में हुआ है यहाँ पे। और मुझे करना है हाइक, कुछ हेलीकॉप्टर भी जा रहे हैं, तो बस बढ़ रहा हूँ मैं आगे इस डायरेक्शन में। तो फाइनली आ गया हूँ एक स्टॉप पे, और यहाँ से तो असली क्लाइंबिंग शुरू होती है इस टूर की। मुझे जाना है यहाँ से ऊपर वॉक करते हुए, पता नहीं शायद कितने स्टेप से यहाँ पे, बट यहाँ से शुरू होगी और
टॉप पर मुझे पहुंचना है और कुछ यहाँ पे इसका इंफॉर्मेशन। अरे यार दिक्कत तो यही है कि यहाँ के लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता कि क्या एक्चुअली कहना चाह रहे हैं ये लोग इस एरिया के बारे में। कुछ इस तरीके का ये एरिया, और अभी यहाँ से चढ़ता हूँ मैं धीरे धीरे ऊपर। फाइनली टॉप पे तो नहीं आया, बट हाँ 80% मेरा क्लाइम करना कंप्लीट हो गया है और थोड़ा बचा हुआ है, तो बस यहीं पे हूँ। और इवन यहाँ पे थोड़ा शॉप्स वगैरह भी है, अगर इनके साथ आपको कुछ कोल्ड ड्रिंक या फिर कुछ एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेना है तो आप ले सकते हो। और यहाँ से भाई कुछ ऐसी है नज़ारा, आइस स्केटिंग का स्टेडियम, और भाई इतने नीचे से यहाँ तक क्लाइम करते हुए आया और काफ़ी सारे लोग अभी भी आ रहे हैं। तो चलो कंटिन्यू करता हूँ जर्नी और पहुँचता हूँ टॉप पे इस डायरेक्शन से और ऊपर। तो भाई साहब फाइनली क्लाइम करके मैं आ गया हूँ श्यामबुलक। गूगल पे देखा तो 2200 मीटर के एलिवेशन पे है मीन सी लेवल से, तो आप इमेजिन कर सकते हो अच्छा खासा एलिवेशन पे है ये स्पेस। जो दुनिया का सबसे बड़ा स्काइंग होता है वो यहीं पे होता है, और जो होता है वो ठीक मेरे पीछे जहाँ पे केबल कार जा रही है मेरे बैक साइड में आप देख रहे होंगे बर्फ़ की पहाड़ियाँ, और वहीं पे स्काइंग होती है। और भाई सबसे ग्रैंड स्काइंग जो है दुनिया की इकलौता स्पेस वो यहीं पे है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ पब्लिक के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगर सपोज़ कोई क्लाइम नहीं कर सकता है तो आपको रास्ता भी बनाया गया है जाके आप रास्ते से चल के यहाँ तक आ सकते हैं, बट वो थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है तो काफ़ी दूर से आप वॉक करते हो यहाँ तक आ सकते हो। अगर इनकेस आप क्लाइम करने में सक्षम नहीं हो तो कुछ यहाँ से ये व्यू, और उस डायरेक्शन में नीचे आप जो स्टेडियम देख रहे हो वहीं से मैं क्लाइम करते हुए यहाँ तक आया हूँ। बट यस केबल कार के मुकाबले यहाँ पे वॉक करते हुए आना वो ज़्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस, मुझे ज़्यादा पसंद है। मोस्टली कजाक के यहाँ के कजाकी लोकल लोग ही दिख रहे हैं, बाहर के शायद एक लौता भाई हो कोई नहीं यहाँ पे, क्योंकि यार आप शक्ल से पहचान लेते हो। अभी तो थोड़ा बहुत मैं पहचान लेता हूँ कि कौन कजाकी यहाँ का लोकल बंदा हो सकता है करके। इस एलिवेशन पे इस तरीके का रास्ता बनाना आप सोच सकते हो कि भाई फैसिलिटी किस लेवल की है यहाँ पे। कुछ कजाकी स्टूडेंट्स डांस कर रहे हैं कजाक के लेवल पे। Kazak music? Yeah, 91. FM. No Indian music? Indian music? Indian music? Yeah. Indian music is very good. Yes, very, very good. Very good music. Yeah. Shahrukh Khan. He is not singer. But his movies are very good. Have you watched his movies? I agree. Yeah. My English is good. Your English is good. You are playing Indian music? Hey, Chitra. This is, I think, Pakistani song. This one. Ah, Pakistani. What's that? Yeah. Good. भांगड़ा, यू नो भांगड़ा? या आई विल शो यू भांगड़ा इंडियन सॉन्ग। आई विल शो यू।
Subscribers. Thank you so much. Instagram account. Yeah, but I don't have that much followers. Okay, thank you very much. Thank you all. Thank you. Bye. Yeah, thank you. तो भाई थोड़ा इंडियन डांस भी सिखा दिया बच्चों को, यहाँ के कज़ा के बच्चों को. तो ठीक है, मैं आपको भाई इस खूबसूरत प्लेस से, इस हाई एलिवेशन से, इस शानदार जगह से कहता हूँ अलविदा, और बहुत जल्द मिलता हूँ आपको नई वीडियो में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.